नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लिनिक पर भी आकर के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, हमारे जो पेनिस है उसमें तनाव नहीं आ पाता है, नसें कमज़ोर हैं, साइज दुबला पतला है, जब हम सेक्स करने जाते हैं तो पेनिस साथ नहीं देता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, शर्मिंदा होना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? क्या कोई ऐसा तेल है जिसका इस्तेमाल करने से ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएं? जी हाँ, बिल्कुल है, और आप घर पर इसे बना सकते हैं। इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स आपको बता रहा हूँ, इन्हें नोट कीजिएगा और इसे इस्तेमाल कीजिएगा तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले आपको लेना है जैतून का तेल, जिसे आप ओलिव ऑयल बोलते हैं। ये आपको लेना है 30 ml। 30 ml की क्वांटिटी में आपको लेना है, 30 ml के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी को बना करके आपको तैयार करना है। दूसरे नंबर पर आपको लेना है एग्नस कैस्टर क्यू, ये होम्योपैथिक दवाई है, और क्यू का मतलब होता है इसमें मदर टिंचर, यानी किसी चीज का सत, किसी चीज का निचोड़ निकाल लेना, उसे क्यू बोलते हैं। तो एग्नस कैस्टस क्यू आपको ले लेना है, इसकी आपको 20 ड्रॉप मिलानी है। तीसरे नंबर पर आपको लेनी है सेबल सेरुलाटा क्यू, ये भी होम्योपैथिक दवाई है, इसकी भी आपको 20 बूंदे यानी 20 ड्रॉप इस तेल में मिला लेनी है। तो इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, शीशी में मिला करके ऐसे हिला लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से तेल को। ये आपको जो दवाई है होम्योपैथिक की, जैतून का तेल आपको कहीं से मिल जाता है? जो ये होम्योपैथिक की दवाई बताई है आपको, या तो होम्योपैथिक स्टोर से आपको मिल जाएंगी या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये दवाई आसानी से मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इस तेल को आपने बना लिया, अब आप इसे कांच की या प्लास्टिक की शीशी में भर करके रख लीजिएगा, खराब नहीं होगा जल्दी से, कोई डरने वाली बात नहीं है। इस्तेमाल का तरीका क्या है? जैसे आप रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले आपको ये हल्का सा तेल लेना है और इसकी आपको पेनिस पर मसाज करनी है। मसाज करने का तरीका आप ये देखें, ये मान लें पेनिस है और ये जो इसकी ऊपर की टोपी है इसे छोड़ दें, यहाँ नहीं आपको लगाना, ये जो निचला हिस्सा है यहाँ पर आपको हल्के हाथ से मसाज करनी है। रगड़ना नहीं है कि ऐसे रगड़ दिया, हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। मसाज 5 से 7 मिनट आप कर सकते हैं और मसाज को आपको रेगुलर 1 महीने तक करना है। कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं कि जलन हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल देसी प्रोडक्ट आपको बताएं, होम्योपैथिक प्रोडक्ट बताएं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 मंथ, मैंने लगातार आपको बताया है, एकदम से ऐसा नहीं कि आज ही लगाया और आज ही आपको कड़कपन, ये वो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने एडवांस इस्तेमाल कर लिया, लेकिन रेगुलर जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो नसों में कड़कपन आएगा, जान आएगी, पेनिस में तनाव बना रहेगा, साइज भी इंक्रीज होगा, इतना नहीं कि बिल्कुल बढ़ जाएगा, साइज का मतलब है मोटाई, लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, साइज की बात कर रहा हूँ, मोटाई की। तो इस सब चीज़ में आपके फर्क पड़ेगा और टाइमिंग भी आपकी बेहतर होगी। देखिए, जब नसों में जान होती है तो टाइमिंग पर भी असर पड़ता है, टाइमिंग भी बेहतर हो जाती है। रेगुलर आप इसको इस्तेमाल करना है, सुबह जब उठते हैं तो इसे आपको गुनगुने पानी से धो देना है। कोई आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, माइल्ड सोप करें इस्तेमाल, जैसे पियर्स हो गई या फिर डव साबुन हो गई, या फिर कोई फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह की जो नरम साबुन हो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कपड़े धोने के साबुन से आपने धो दिया, ऐसा नहीं करना है। तो सुबह को आपको धो देना है, रोज रात को आपको इसका इस्तेमाल करना है, रेगुलर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अल्टरनेट डे करना है आपको, रोज कर सकते हैं। टाइमिंग आपके पास नहीं है कि भाई आप बाहर कोई काम करते हैं, कोई जॉब में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हैं, वरना अगर आप रेगुलर भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई क्वेश्चन अधूरा है, कोई जानकारी अधूरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।